सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं स्वागत करता हूं astroflix.com में। मैं धर्मेश जोशी बात करेंगे अगस्त महीने के मासिक फल कथन के बारे में। ये वीडियो पूरा अवश्य देखें क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ विशेष टिप्स दूंगा जो आपके लिए सफलदायक रहेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई भी परेशानी है तो कमेंट करें इस वीडियो पर या लॉग इन करें www.ganeshaspeaks.com पर या डायल करें 55181 अपने फ़ोन से और बात करें हमारे ज्योतिषों से। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों, लव के मामलों में अगस्त माह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। यानी अगर आप अपने संबंधों की नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अपने प्यार का आर्टिस्टिक तरीके से इजहार करना चाहते हैं, आगे बढ़ के कुछ कहना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। वहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है तो ये समय संतान के इच्छुक जातकों के लिए भी आशापूर्ण है। वहीं विद्यार्थी जातक भी अपनी पढ़ाई में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शुरुआती समय में नौकरी पेशा अथवा फुटकर कामकाज करने वाले जातकों के लिए थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि शुक्र के आपके विवाह स्थान में आने से तथा इसकी दाम्पत्य स्थान पर सीधी दृष्टि पड़ने से आपके जीवन साथी के साथ आपकी अधिक निकटता बढ़ेगी। ऐसे में इस समय आप जीवन साथी के साथ अंतरंग क्षणों का आनंद लेते हुए अच्छा समय बिता सकते हैं। इस समय सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता रहेगी। इसी समय आपका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत रहेगा, इससे धार्मिक कार्य संपन्न होंगे या फिर तीर्थ स्थलों की लंबी यात्रा हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके पराक्रम स्थान में आएंगे जिसके कारण प्रोफेशनल मोर्चे पर आप नई शुरुआत करने या फिर नौकरी बदलने की इच्छा रखेंगे। हालांकि इसमें अड़चने आ सकती है, यानी अंत तक आगे बढ़ने के बाद कहीं कुछ विलंब की संभावना भी है। ऐसे में इस ओर संभल कर कदम रखें, मैत्री संबंधों में प्रगति होगी। विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के पीछे बिना सोचे विचारे खर्च की संभावना रहेगी। वहीं व्यावसायिक मामलों में भी आप फिलहाल अधिक खर्च करेंगे। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में शुक्र के आपके धनस्थान में स्थित होने के कारण आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इस समय आय में वृद्धि की संभावना है। आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये माह में विशेष क्या है। धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, योगा, मेडिटेशन जैसी कुछ प्रवृत्तियाँ बढ़ सकती है, सामने खर्च भी बढ़ेगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करें अपने प्रियजनों को। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।